हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जंतुओं और पादपों में परिवहन किस तरीके से होता है। और ये जो टॉपिक है आपका वो है क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू KVS PRT। जैसा कि आप सबको पता होगा कि KVS PRT का सिलेबस चेंज हो चुका है और 80 क्वेश्चंस आपके कंसर्न सिलेबस से पूछे जाएंगे, और जिसमें कि जनरल साइंस, तो आपको जनरल साइंस पता होनी चाहिए क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में जनरल साइंस आपकी पूछी जाती है। ओके, ये CTET हो गया पेपर 2, UPTET पेपर 2, HTET पेपर 2, रीट में या जितने भी स्टेट लेवल के टेट्स होते हैं उसमें इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र किस तरीके से बॉडी में, हमारे बॉडी में या फिर प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर सर्कुलेशन होता है। अब सर्कुलेशन किस चीज़ का होता है, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ब्लड। ब्लड क्या होता है, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आपको कहीं कट लग जाता है या फिर चोट लग जाती है तो क्या निकलता है, ब्लड, यानी कि उसे बोलते हैं रक्त। तो ब्लड होता क्या है, व्हाट इज़ ब्लड, इट इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ये हमारा क्या होता है, तरल पदार्थ, या फिर आप इसको हिंदी में द्रव्य बोल सकते हो। और ये कहाँ किस में फ्लो करता है, आपके ब्लड वेसल्स में, यानी कि रक्त वाहिनियों में। एंड द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। और जो आपका फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, उसको ही हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये आपका एक नंबर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ब्लड का फ्लूइड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो डायरेक्टली क्या होगा आंसर, प्लाज्मा। नेक्स्ट है कि ब्लड क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ, तो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी देखते हैं हम। फर्स्ट है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसे हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएँ बोलते हैं। एंड ये रेड कलर में क्यों दिखती है, बिकॉज इट कंटेन्स रेड पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड हेमियोग्लोबिन। रेड पिगमेंट होता है प्रेजेंट हमारे RBC में, जिसको हम हेमियोग्लोबिन बोलते हैं। नेक्स्ट है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में इसे बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये आपका क्या काम करती है, फाइट अगेंस्ट जम्स के अगेंस्ट क्या करती हैं, फाइट करती हैं, उनको किल करती हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लेटलेट्स है, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं पट्टी काणु। प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस क्लोटिंग ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस। क्लोटिंग का मतलब थक्का बनना। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब चोट लगती है या फिर आपका कट लग जाता है, अगर खून निकलता है तो क्या होता है कि अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट की कमी हो तो खून क्या होगा, रुकेगा नहीं या थक्का नहीं बनेगा, जो कि डार्क रेड का होता है, और वो बहते रहेगा। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियाँ। अभी हमने प्रीवियस पढ़ा कि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता है। तो ब्लड वेसल्स भी आपके क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होती है हमारी आर्टरीज और एक होती है हमारी वेंस। आर्टरीज को हिंदी में धमनी बोलते हैं और वेंस को हिंदी में सिरा बोलते हैं। आर्टरीज का क्या काम होता है और वेंस का क्या काम होता है, आप ये फिगर देख रहे होंगे, जो वेंस है हमारी वो इन वॉयलेट कलर में या फिर आप ब्लू कलर में देख रहे होगे, और जो हमारी आर्टरी है वो हमारी रेड इन कलर है, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, आर्टरीज का फंक्शन होता है इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाती हैं। और वेंस का क्या काम होता है, वेंस आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। यानी कि वेंस क्या करती हैं, वापस दोबारा हमारे बॉडी पार्ट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक वापस लेके जाती हैं। तो इन दोनों का काम क्या है, बिल्कुल रिवर्स है। आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और वेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ठीक है। और क्या होती हैं आर्टरीज, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, इनकी जो वॉल होती है वो थिक इलास्टिक होती है, मोटी होती है। और वेंस क्या होती हैं, दे हैव थिन वॉल्स, यानी कि पतली वॉल्स होती हैं इनकी। और पल्स को हम हिंदी में बोलते हैं नाड़ी स्पंद।
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में जितनी बार बीट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट यानी कि स्पंद दर। नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी आर्टरी यानी कि हिंदी में फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, इसका क्या काम होता है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेती है, और कौन सा ब्लड होता है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ब्लड टू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस धमनी, सॉरी फुफ्फुस सिरा, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से लेती है और हार्ट तक पहुंचाती है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि पल्मोनरी आर्टरीज आर्टरीज और वेन्स दोनों ही ब्लड कैरी करती है, बट क्या होता है, डिफरेंस होता है कि आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और वेन्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि चेंज हो गया कि पल्मोनरी आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया, और पल्मोनरी वेन में क्या हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया है। तो मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ फिगर। अभी हमने पढ़ा कि आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती हैं लंग सॉरी आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से लेती हैं और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में कैपिलरीज के थ्रू पहुँचाती है। कैपिलरीज क्या होता है, आपके थिन ट्यूब्स स्ट्रक्चर होता है, आप ये देख रहे हो फिगर में, ठीक है। फिर जो हमारी वेंस होती हैं, फिर जो दोबारा पूरे आपके कैपिलरीज पूरी बॉडीज़ में फैली हुई हैं, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होती है वो दोबारा वेंस लेके जाती है कहाँ, इस हार्ट तक। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, जो ये पल्मोनरी आर्टरी है आपकी, तो अब वेंस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आई, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको वो लंग्स तक लेके जाती है, जहाँ पे आपका लंग्स क्या करता है, उस ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, आपका पल्मोनरी वेन आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक लेके आता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुँच गया, फिर वो दोबारा आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, रिपीट होता रहता है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये फिगर से एक्सप्लेन कर दिया मैंने तो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इन दोनों में डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट को दूर करने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ अपने चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू।